हेलो एवरीबॉडी, हमारे सामने आप देख सकते हो एक बहुत ही स्पेशल कार। कार है बोलेरो नियो प्लस। स्पेशल बात ये प्लस में है, और क्यों स्पेशल है मैं आपको अभी बता दूंगा। बट उससे पहले स्पेशल थैंक्स टू रॉयल मोटर्स, जिनकी वजह से आज हमको ये कार अवेलेबल हुआ है। तो अगर आप कैलकाटा में रहते हो और आपको महिंद्रा की कोई भी कार लेनी है, रॉयल मोटर्स शोरूम पे आ जाना। शोरूम का जो एड्रेस है मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। तो प्लस की खासियत बताए क्या है। नॉर्मल आपने जो बोलेरो नियो रोड पे देखी है, जो कि पहले हम TUV 300 के नाम से भी जानते थे, वो थी एक 7-सीटर कार। बट ये बन चुकी है अपनी 9-सीटर। अगर यहाँ पे मेरे पास थोड़ा और स्पेस होता ना, तो मैं आपको दिखा पाता, लेकिन आप खुद इस एंगल से देखो, पहले से और भी 400 मिलीमीटर ज़्यादा लंबी ये कार हो चुकी है। नॉर्मल जो बोलेरो नियो है उसके जो वेरिएंट्स है वो N से स्टार्ट होते हैं, N10 वगैरह, बट यहाँ पे P सीरीज से स्टार्ट होता है। P4 अपना बेस मॉडल जो कि अपने पास है, और P10 है इसका टॉप मॉडल, ठीक है। तो आज बेस मॉडल पे ही मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, बोलेरो नियो प्लस पे। भाई साहब, कार की प्राइस वाइज इंजन सब कुछ मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि इंजन में भी इसमें चेंज एक है। ये जस्ट आप कार की लुक देखो, इस एंगल से ही आपको पता चल रहा होगा कि भाई साहब कितनी ये लंबी कार है, ठीक है। सामने एलिमेंट्स की बात करें तो देख सकते हो यहाँ पे ऑल हैलोजन आपको सेटअप दिया गया है। हाई बीम लो बीम दोनों यहीं पे काम करता है। ये जो अपना पायलट लैंप है, या फिर जिसको हम पार्किंग लैंप बोलते हैं, वो है। इंडिकेटर यहाँ पे है। इस वेरिएंट में आपको कोई फॉग लैंप नहीं मिलता। टॉप मॉडल P10 लोगे तो उसमें आपको DRL वगैरह भी मिल जाएगा। अगेन ये ग्लॉस ब्लैक में ग्रिल का सराउंड आप देख सकते हो, वही वर्टिकल स्ट्राइप जो कि महिंद्रा की ट्रेडिशनल निशानी है, वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। बाकी सामने क्लैडिंग वेडिंग ये सब तो आप देख ही सकते हो। बेस मॉडल है इसीलिए यहाँ पे कोई अलॉय व्हील्स नहीं है। टोटल आपको स्टील रिम दिया गया है। प्रोफाइल की बात करें तो 215/70 R16 का आपको प्रोफाइल दिया गया है। 16 इंची का रिम है। 70 का जो ये साइड वॉल है, काफ़ी मोटा आपको मिलता है, जिससे कि राइड क्वालिटी अच्छी खासी आपको एक मिलने वाली है। ऊपर यहाँ पे एंटेना का स्लॉट है, जब आप कार की डिलीवरी लोगे तो वहाँ पे एंटेना लगा के आपको दे दिया जाएगा। यहाँ पे रेगुलर वाइपर्स आप देख सकते हो, बिल्कुल बॉक्सी डिज़ाइन है जो कि बोलेरो की निशानी है। और ग्लॉस ब्लैक में आपको मिल जाता है ORVM। टर्न इंडिकेटर आपको यहाँ पे फेंडर पे ही मिलता है। और ये जो मैट ब्लैक की स्ट्रिप है, ऑल द वे आगे से लेके पीछे तक जाती हुई आपको मिल जाती है। इवन जो डोर हैंडल्स है ये भी मैट ब्लैक में है, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल सेम अलाइनमेंट के साथ ये आपको टोटल डिज़ाइन मिल जाती है। और सामने डिस्क है। पीछे सेटअप की बात करें तो पीछे आपको ड्रम ब्रेक का सेटअप मिल जाता है। कार का जो फ्यूल लिड है या फिर फ्यूल फिलर कैप है, वो आपको लेफ्ट साइड पे मिलता है। ग्लास एरिया कितना बड़ा है आप देख सकते हो, क्योंकि जो क्वार्टर ग्लास पैनल है, जो एक्सटेंशन ये दिया गया है नॉर्मल बोलेरो के कंपैरिजन में, बोलेरो नियो के कंपैरिजन में, ये इसका जो ग्लास एरिया है काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रहा है। इवन जो टेल लैम्प है बहुत यहाँ तक एक्सटेंड हो रहा है पहले के मुकाबले। और ऑब्वियस सी बात है, सब कुछ हैलोजन सेटअप में आपको पीछे लाइटिंग दिया गया है। ओके, बोलेरो नियो की बैजिंग यहाँ पे देख सकते हो, नियो प्लस सॉरी। एंड अगेन जो पीछे का टेल गेट है या फिर सीट की एंट्री है, वो भी आप यहाँ से खोल सकते हो। यहाँ पे आपको मिल जाता है रिफ्लेक्टर, और पीछे दो पार्किंग सेंसर्स भी आपको दिया गया है। ऑब्वियस बात है, इसमें कोई रियर पार्किंग कैमरा आपको देखने को नहीं मिलता। जो स्पेयर व्हील है वो आप यहीं पे माउंटेड देख सकते हो। अगेन बिल्कुल सेम प्रोफाइल है, बट आपको लग रहा होगा कि यार ये स्टील व्हील है, पीछे से कितनी भद्दी लग रही है। नहीं लगेगी, क्योंकि जब आप कार की डिलीवरी लोगे, कंपनी वाले आपको यहाँ पे कवर चढ़ा के देंगे प्रॉपर, ठीक है। अगर कवर अवेलेबल है तो मैं आपको दिखा ही दूंगा। ये देखो, लगे हाथों हमको कवर भी मिल चुका है। ये जो कवर है ना स्पेयर व्हील पे, यही कवर आपको मिलेगा। बोलेरो की प्रॉपर बैजिंग भी यहाँ पे है। सो बढ़िया बात। यहाँ पे आप देख सकते हो मेन कमाल, क्योंकि पीछे चार लोग यहीं पे बैठेंगे, सामने पांच यहाँ पे, पीछे चार ही यहाँ पे। एक सेकंड मैं बैठ के दिखाऊं कि इसमें बैठना पॉसिबल है या नहीं। चढ़ने के लिए जो फुटस्टेप आपको यहाँ दिया गया है, और ग्रैब हैंडल यहाँ पे है डोर पीछे से अनलॉक के लिए, मतलब कोई अगर यहाँ से बाहर निकलना चाहे तो इस प्रकार अनलॉक कर सकता है। ग्लास एरिया ठीक ठाक है इसमें आपको, इस वेरियंट में आपको कोई वाइपर वॉशर डिफॉगर वगैरह कुछ भी देखने को नहीं मिलता। ऑब्वियस सी बात है भैया, बेस मॉडल है, क्या ही मिलेगा आपको। 9 सीट मिल रही है, ये कम है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे हम मार चुके हैं एंट्री। और वैसे दुबले पतले बंदे दो यहाँ पे एक शॉर्ट जर्नी के लिए कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। थाई सपोर्ट ऑब्वियस सी बात है आपको नहीं मिलेगी अगर आप लंबे पैसेंजर हो, बिल्कुल ना के बराबर है।
और थोड़ा सा जो पैर है आपको आगे पीछे या फिर साइड वाइज एडजस्ट करके बैठना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भी दो लोग बैठेंगे तो ये टकराने का चांस है। तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट की बात है, बट हम लोग यार इंडियंस है, ये सब तो हम कर ही लेंगे। हम लोग इंडियंस 5 सीटर कार्स में 7 से 8 लोग इजीली ठूंस लेते हैं, तो इस कार के साथ लोग क्या ही करेंगे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो भाई साहब। आपको क्या लगता है इस कार में इंडियंस कितने लोग फिट कर देंगे? जो भी आपको लगता है कमेंट में बता देना मेरे को, जस्ट रिप्लाई आपका देखना है कि किसकी क्या सोच है। ठीक है, ये फन होने वाला है। ये हमने बंद कर दिया है इसका रियर टेल गेट। P4 की बैजिंग यहाँ पे देख सकते हो, टॉप मॉडल होता तो P10 की हो जाती, जो कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया है। अब खोल लेते हैं इसका डोर। डिसेंट सा वेट है डोर का, एंड अगेन बेज कलर में आपको मिल जाता है टोटल डोर का लेआउट। यहाँ पे डोर हैंडल है मैट ब्लैक में। अब जो बॉटल होल्डर है वो भी आपको डिसेंट सा स्पेस मिल जाता है। स्पीकर की हाउसिंग यहाँ पे है, बट यहाँ पे कोई स्पीकर नहीं है। ORVM के कंट्रोल्स आपको यहाँ मिलते हैं, वही मैनुअल स्टाइल में, कोई इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट यहाँ नहीं है। डेड पेडल आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता, और यहाँ पे भी कुछ बटन्स है, इस पे हम आने वाले हैं। ठीक है, ड्राइवर का जो सीट है ये 4-way ही है, इसका हाइट आप एडजस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, और ये अपहोल्स्ट्री तो लेदर है। आई थिंक शोरूम से ये सीट कवर चढ़ाया गया है, इन माई ओपिनियन। मैं गलत भी हो सकता हूँ, मेरे को लग रहा है, बट जो भी है अच्छी लग रही है, सीट का कंफर्ट भी अच्छा खासा आपको मिल रहा है। ठीक है, तो ये है इसका अंदर का माहौल। और चाबी मैं आपको दिखाना भूल गया, चाबी आपको वही सेम महिंद्रा का डिज़ाइन में मिलता है जो कि महिंद्रा की बाकी सभी कार्स में मिलता है। टिपिकल फ्लिप की है, बट यहाँ पे कोई रिमोट बटन्स नहीं है, आपको मैनुअली ही खोलना पड़ेगा, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रख लीजिए। तो चाबी को डालते हैं यहाँ पे इल्यूमिनेशन भी आपको देखने को मिल जाता है, जो कि रात में काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए होने वाला है। कार को जरा करते हैं सॉफ्ट स्टार्ट, और ये एनिमेशन आप देख सकते हो, बोलेरो नियो ये दिखा रहा है। अटेंशन टू डिटेल और थोड़ी सी बेटर हो सकती थी, क्योंकि नियो की जगह नियो प्लस ये दिखाना चाहिए था। खैर, 7000 तक मार्किंग है टैकोमीटर की, 180 तक मार्किंग है स्पीडोमीटर की। यहाँ पे एवरेज फ्यूल इकोनॉमी आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, और इस बटन के थ्रू आप इन्फॉर्मेशन ब्राउज कर सकते हो, वार्निंग हिस्ट्री क्या है, फिर सेटिंग्स, ट्रिप ए, देन एवरेज फ्यूल इकोनॉमी अगेन, डिजिटल स्पीड एंड ऑल दैट। मतलब बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो ये आपकी पूरी कर देगी। ज़्यादा फैंसी फीचर्स नहीं है, बट जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है वो सारे के सारे आपको मिल जाते हैं। भाई साहब बहुत गर्मी हो रही है, दोपहर का वक्त है, कैलकाटा में अभी 42 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, पसीने से मेरा हालत ख़राब हो चुकी है, आप खुद देख सकते हो, लेकिन फिर भी हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। मैं आपको बता दूँ कैलकाटा में अभी हीट वेव चल रहा है, ऑफिशियली डिक्लेयर हो चुका है, बट फिर भी ये कार अभी शोरूम में आई है, जस्ट 2-3 दिन रहने वाली, इसीलिए मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो इस एफर्ट के लिए ज़रा प्लीज़ एक लाइक कर देना, लाइक बहुत मैटर करता है यूट्यूब एल्गोरिथम के लिए। ठीक है, खैर यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस आपको मिल जाता है, सब कुछ ऑब्वियस सी बात है हार्ड प्लास्टिक है, यहाँ पे कोई सॉफ्ट टच फैब्रिक या फिर लेदर का अपहोल्स्ट्री आपको नहीं देखने को मिलेगा। एंड बेज एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन हर जगह आप देख सकते हो। AC के वेंट यहाँ पे हैं, यहाँ पे कोई आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं मिलता, टच स्क्रीन तो छोड़ दो, 2-DIN का भी नहीं मिलता, क्योंकि 2-DIN देना वैसे भी बेकार है, लोग उसको हटवा के चाइनीज़ जो अपना टच स्क्रीन है वही डाल लेते हैं, तो इससे बढ़िया ना ही दो, क्योंकि वैसे भी खुलवाना है। ठीक है, तो यही इसका हिसाब किताब। हैज़ार्ड लैंप यहाँ पे है, AC के कंट्रोल्स यहाँ पे है, जो बटन्स की क्वालिटी है ये मेरे को ठीक लगी। ठीक है, और ये AC का जो स्विच है वो आपको मिलता है। एक सेकेंड, एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे AC भी चलेगी, फ्यूल भी बचेगी, ऐसा कुछ हिसाब किताब है। यहाँ पे ग्लव बॉक्स आपको डिसेंट साइज का एक मिल जाता है। ठीक है, ये गियर लीवर है अपना नॉर्मल सा, और क्लच की ट्रैवल वैसे काफ़ी ज़्यादा ही आपको मिलने वाली है, क्लच का वेट आपको डिसेंट मिलेगा, ना ज़्यादा हैवी ना ज़्यादा लाइट। यहाँ पे भी हल्का सा स्पेस है, कार की चाबी वाबी आप डाल सकते हो। 12 वोल्ट का सॉकेट आपको यहाँ पे मिलता है, बाकी चारों के चारों जो पावर विंडोज़ है उनके कंट्रोल्स आपको यहाँ पे मिलता है, एंड पावर विंडो का जो चाइल्ड लॉक है यहाँ पे है। यहाँ पे भी हल्का सा स्पेस है, एक बॉटल होल्डर है, और थोड़ा सा कभी स्पेस यहाँ पे है। 12 वोल्ट का सॉकेट यहाँ पे भी आप देख सकते हो। मैनुअल हैंड ब्रेक यहाँ पे है, ऑटो डिमिंग मैनुअल डिमिंग कुछ भी नहीं है, ये जस्ट अपना रेगुलर एक IRVM है। यहाँ पे मिरर है, यहाँ पे टिकट होल्डर है, यहाँ पे बीच में हैलोजन में केबिन लैम्प है। ये देखो कार की विजिबिलिटी वैसे काफ़ी शानदार आपको मिलने वाली है, ग्लास एरिया अच्छा खासा है, बोनेट भी आपको काफ़ी हद तक दिख जाता है, बट अगर इसमें हाइट एडजस्टमेंट होता तो और भी मज़ा आ जाता। अभी फ़िलहाल मैं इस पोजीशन पे बैठा हूँ, थोड़ा सा अगर ऐसे बैठता तब तो कतई राजा वाली फील आती भैया। जो हेडलैम्प है उसके कंट्रोल्स आपको यहाँ मिलते हैं,
वाइपर के कंट्रोल्स यहाँ मिलते हैं, ऑब्वियस सी बात है ऑटोमेटिक नहीं है दोनों। यहाँ पे आपको मिल जाता है हेडलाइट लेवलर, ये है कार का इको मोड, देख सकते हो इको मोड ऑन यहाँ पे है, यहाँ पे भी इको की लाइट जल गई। और ये है ESS, ये क्या आइडल स्टार्ट स्टॉप है, बट वो तो ISS होना चाहिए था या फिर ऑटो स्टार्ट स्टॉप। तो अब चलते हैं सेकेंड रो में, थर्ड रो मैंने आपको दिखा दिया। ये जो फ्रंट सीट है कंफर्ट वैसे काफ़ी अच्छी है, अंडर थाई सपोर्ट मेरे को बहुत ज़बरदस्त इसकी लगी, और जो ड्राइवर सीट है बिल्कुल मेरे हिसाब से सेट है, आप खुद देख सकते हो 6 फीट मेरी हाइट है। लेकिन उससे पहले स्टेयरिंग व्हील एडजस्टमेंट देख लेते हैं, टिल्ट एडजस्टमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहाँ पे एक साइड फुटस्टेप होना चाहिए था क्योंकि कार वैसे काफ़ी ऊँची है, तो बुज़ुर्ग लोगों को चढ़ने में हल्का सा दिक्कत हो सकता है। डोर ओपनिंग कार की वैसे सही है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। पावर विंडो का स्विच यहाँ पे है, बॉटल होल्डर यहाँ पे है, स्पीकर का जो हाउसिंग है यहाँ पे है। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली आपको दो ही हेडरेस्ट मिलते हैं, तीन होना चाहिए था क्योंकि 9 सीटर है, तो एटलीस्ट बीच का बंदा एक हेड डिज़र्व करता है क्योंकि तीन लोग यहाँ पे कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। काफ़ी चौड़ी एक कार वैसे है, और यहाँ पे तो आपको कोई हेडरेस्ट मिलेंगे ही नहीं, मतलब थर्ड रो में जो लोग बैठेंगे उनके सर की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, स्पेस की बात करें तो 6 फीट मेरी हाइट है, नी रूम जस्ट अबाउट एडिक्वेट है, 3 उंगलियों का मेरे को मिल रहा है अगर मैं बिल्कुल अपराइट बैठूँ तो, थोड़ा सा कि अगर मैं कंफर्टेबली बैठूँ तो मेरे को नी रूम में हल्का सा इशू हो रहा है। शिन रूम में भी थोड़ा सा दिक्कत है, यानी जो लेग रूम है इसमें भी मैं बिल्कुल अगर नॉर्मली पैर पीछे करके बैठूँ तब तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा भी अगर मैं रिलैक्स करके बैठना चाहूँ तो यहाँ पे ये नीचे टच हो रहा है इस पोजीशन पे, तो इस चीज़ का ध्यान रख लेना। देखो भाई, इस लेंथ की कार में 9 सीट्स आपको मिल रही है, यही सबसे बड़ी बात है। तो ये छोटा मोटा कॉम्प्रोमाइज़ तो हम कर ही सकते हैं, बट पीछे जो अंडर थाई सपोर्ट है ये भी आपको डिसेंट सी मिलने वाली है। सीट वैसे जो बैक जो कुशनिंग है ये काफ़ी हार्ड है, ये अगर थोड़ी सी सॉफ्ट होती तो मज़ा आ जाता, बट इसकी जो कुशनिंग है, ये जो बेंच है, इसकी काफ़ी मेरे को सही लगी। बीच वाले पैसेंजर के लिए आपको लैप टाइप सीट बेल्ट ही मिलता है, और यहाँ पे आइसोफिक्स सीट माउंट मेरे को नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये था सेकेंड रो का रिपोर्ट। अब इंजन में आपको दिखा देता हूँ, इंजन में भी बोलेरो नियो प्लस में एक हल्का सा फर्क है। जो रेगुलर अपनी बोलेरो नियो है उसमें आपको मिलता है 1.5 लीटर का डीजल इंजन, बट यहाँ पे आपको मिलता है बड़ा 2.2 लीटर का एम हॉग डीजल इंजन। जाहिर सी बात है भैया, जब ज़्यादा लोग बैठेंगे तो उनका लोड खींचने के लिए इंजन भी आपको तगड़ा देना पड़ेगा। इंसुलेशन प्रॉपर यहाँ पे दिया गया है। इंजन का जो पावर स्पेक्स है उसकी बात करें तो अराउंड 120 पीएस ऑफ पावर निकाल के दे देता है, एंड अराउंड 280 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क निकाल के दे देता है। तो बहुत लाजवाब परफॉर्मेंस तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, बट एडिक्वेट परफॉर्मेंस डेफिनेटली आपको मिल जाता है, माइलेज भी आप इसे डिसेंट सा एक निकाल सकते हो। अब लास्ट में जो चीज़ बाकी रह जाती है वो है कार की प्राइस। इस कार की जो एक शोरूम कीमत है, यानी बेस मॉडल P4 का, इसकी एक शोरूम कीमत है 11,39,000 रुपीज़, मतलब ऑलमोस्ट 11,40,000 का आप मान के चल सकते हो। कैलकटा में रहते हो, रॉयल मोटर से लेते हो, तो 13 लाख के अंडर ही आपको ये कार ऑन रोड पड़ जाएगी। तो मेरे हिसाब से भाई, अगर आपको एक पीपल मूवर चाहिए तब तो इससे बेटर आपके पास कोई ऑप्शन मार्केट में है ही नहीं इस बजट में, क्योंकि 13 लाख के अंडर 9 सीट तो आज की तारीख में कोई भी कंपनी की कोई भी और कार ऑफर नहीं कर रही। तो उस मामले में इस कार की कोई कंपटीशन है ही नहीं, हैंड्स डाउन क्लियर विनर। ठीक है, तो महिंद्रा ने बढ़िया काम किया है बोलेरो नियो प्लस निकाल के। पहले ये जो नियो प्लस है, मतलब 9 सीटर का वेरिएंट, वो आपको सिर्फ कमर्शियल सेगमेंट में देखने को मिलता था, आपने एम्बुलेंस में देखा होगा, बट अब से ये आपको प्राइवेट में भी मिल जाता है, मतलब प्राइवेटली भी आप इसको परचेज कर सकते हो। तो बहुत बढ़िया मूव महिंद्रा की तरफ से ये मेरे को लगी। आप लोग बताओ, आपको महिंद्रा बोलेरो नियो प्लस कैसा लगा, ये वाला बेस वेरिएंट कैसा लगा, और आप इसका टॉप वेरिएंट भी देखना चाहते हो तो वो भी कमेंट में बता देना। इतना तक अगर आपने वीडियो देख लिया है देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर देना भैया, आपकी भाई की बहुत मेहनत हुई है इस धूप में वीडियो बनाने में। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक कर देना। बाय बाय।